हाय पेरेंट्स, वेलकम टू द ग्रोइंग मम्स किड्स टुगेदर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अनादर ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बिटवीन द पेरेंट्स एंड किड्स। लेट्स गो। यहाँ पे फर्स्ट बोर्ड के बारे में हम बात करेंगे, जो है वाटर एनिमल्स बोर्ड। यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं बच्चों को सिखाने के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा के देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का थिकनेस बहुत अच्छा है और पेन का कोई भी इशू नहीं है। मैं 1.5 साल से ये बोर्ड को यूज़ कर रही हूँ बट मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ पे प्रॉपर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम भी दिया है, जैसे शार्क है तो शार्क का नाम दिया है। सेम बोर्ड के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया है बट उसमें आपको पेन नहीं है। नेक्स्ट बोर्ड के बारे में हम बात करेंगे, जो है बर्ड्स एनिमल्स, बेसिक बर्ड्स है जो बच्चों को सिखाने के लिए बहुत इजी रहता है, जैसे पिजन हो गया है या क्रो है या पैरेट है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठाओ, उसके पिन का कोई भी, इस बोर्ड में भी पिन का कोई भी इशू नहीं है। बहुत अच्छा है, दिखने के लिए भी, बच्चों को सिखाने के लिए भी। प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स का पिक्चराइजेशन उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। थर्ड बोर्ड के बारे में हम बात करेंगे, जो है अल्फ़ाबेट एनिमल पज़ल। ये अल्फ़ाबेट एनिमल पज़ल जो है वो A to Z जितने भी एनिमल्स के नाम हैं वो पूरे के पूरे ये बोर्ड्स में आपको दिए दिखेंगे। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, जैसे याक है, इसका भी थिकनेस बहुत अच्छा है, प्रॉपर सिखा सकते हो। जब भी हम सिखाते हैं, जैसे टाइगर है, बेसिक एनिमल्स उन्होंने दिया है, टाइगर, शिप, रैबिट या बियर हो गया, टेडी बियर आप स्टोरी बोल सकते हो। अगर मंकी है, फाइव लिटिल मंकीज, जंपिंग ऑन द बेड, शिप है तो बाबा ब्लैक शिप आप बोल सकते हो। मल्टीपल पोएम्स के साथ आप बच्चों को सिखा सकते हो, जैसे पैरेट का भी है। मेरे बच्चे ने थोड़ा खा लिया है बट ठीक है, बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है मुझे। आप ये प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो बोर्ड के लिए। अगर ये बोर्ड के बैक साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे A to Z पूरा ABCD दिया है, जिससे आप बोथ पैटर्न में आप सिखा सकते हो, या K for Kangaroo, L for Lion, M for Monkey, एज वेल एज ABCD A to Z, आप वो भी रिविज़न ले सकते हो बच्चों का। तो ये बोर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। वैसे ही पैटर्न में एक नेक्स्ट बोर्ड है, अल्फ़ाबेटिकल वेजिटेबल्स। यहाँ पे A to Z वेजिटेबल्स के बारे में आपको दिया है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, थिकनेस बहुत ही अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, पेन में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। अभी तक मैं 1 साल से ये बोर्ड को यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। जैसे हमारे घर में टमाटो रहता है, ऑनियन रहता है, जो भी वेजिटेबल्स हमारे घर में रहते हैं, तो वो हिसाब से अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बहुत जल्दी वो ग्रास करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेलिंग भी दी है, तो आप बच्चों को स्पेलिंग वाइज भी उनको बता सकते हो कि टमाटो क्या है, ऑनियन क्या है, स्पेलिंग के हिसाब से आप उसको सिखा भी सकते हो। अगर आपको ये बोर्ड अच्छे लगे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक भी दे दूंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।